इतना लुया से रूते ठे चे चे मुंगी तालाना निजी लुया से रूते ठे चे चे दे मुंगी सत श्री अकाल की हाल चाल सुविधा आई होप सब बहुत वधिया हो गए ते असी बहुत टाइम बाद व्लॉगिंग कर रहे हैं विच काफ़ी गैप पै गया सी ते अचानक साडा एकदम स्पीति जान दा प्लान बन गया ते पहुंच गया मैं दिल्ली बॉर्डर तो फ्यूलिंग करवाने का टाइम फ्यूलिंग हो रही है करवाने का फ्यूलिंग करवाई लें तेल था भी नहीं तो फ्यूलिंग चल रही है यहाँ पे देखते हैं कितने की टंकी फुल हुई है भैया कर रहे हैं फ्यूल और जी भैया जी क्या हाल है आपका और उनतालीस सौ कर दो थर्टी नाइन हंड्रेड का आया फुल हुई है टैंक चलो पेमेंट करते हैं निकलते हैं आगे इसकी एवरेज दे रही थी चलो इसको भी एवरेज जीरो ट्रिप वन जीरो ट्रिप टू जीरो चलो जी अब चलते हैं निकलते हैं फटाफट आज जा रहे मोटरसाइकिल से घूम कल ही नहीं दो बंदे हैं नाइस नहीं पर पहुंचे हैं तो बारिश शुरू हो गई ढाबा पहुंच चुके हैं हम कितना टाइम लगा सानू कोई दो घंटे के आसपास लगे मियो ढाबा दो घंटे लग गए उन्हें पर बारिश बड़ी थी रास्ते पे तो धीरे धीरे आए हैं नब्बे सौ पर यहाँ पे चाय जो पीते हैं नींद नू तो वैसे आ नहीं रही मौसम तो बढ़िया हो गया ठंडा एकदम जीरकपुर आ गया जी बहुत बढ़िया मौसम हो रहा है बस अब ये वाला पुल नहीं चढ़ना हमने इससे नीचे से लेफ्ट फिर आगे लाल बत्ती से राइट शिमला के लिए शिमला 60 पीछे 52 लिखा हुआ था यहाँ 60 लिखा हुआ है चलते रहो अब मुझे ये अब सोच रहा था कि कहीं माल रोड पर भी पूरा दिन रात को बारिश ही होती रहे घूम ही ना पाए रूम में ही बैठना पड़े चलो हटेगी अभी तो 6 बजे हैं हट ही जाएगी हेलो गाइस सोलन पहुंच चुके हम
ਨੇ ਸਹੀ ਸਹੀ ਡਰੋਨ ਸ਼ਾਟ ਲਾਏ ਸੀ ਨਾ ਬੰਦੇ ਨੇ ਇੱਥੇ ਸੋਲਨ 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 ਦਾ ਬੱਸ ਅੱਡਾ ਅਭੀ ਯਹਾਂ ਸੇ ਰਹਿਤਾ ਹੋਗਾ 45 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਆਸ ਪਾਸ 45 to 50 आइस फ्री में फुहारा चलवा है बहुत खराब है दिख ही नहीं रहे आगे बादल धुंध बादल बादल नू क्रॉस कर दे यहाँ ਓਏ ਕੀ ਆ ਕੇ ਇਹ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸਮੁੰਦਰ ਹੈ ਇਹ ਤਾਂ ਇੰਨਾ ਢਿੱਡ ਵੱਡਾ ਇਹਦਾ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ 35 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੋਣਾ ਫੋਗ ਬੜੀ ਆ ਗਈ ਇਹ ਗਾਈਸ ਫੋਗ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਹ ਬਾਦਲ ਹੈ ਇਤਨੀ ਖੁਸ਼ੀ ਇਤਨੀ ਖੁਸ਼ੀ ਬਾਦਲ ਬੀਚ ਮੇ ਸੇ ਨਿਕਲ ਰਹੇ ਹੈ ਅਜੇ ਦਿਖ ਰਹੇ ਸੀ ਨਾ ਉਦੋਂ ਦੂਰੋਂ ਸਾਈਡ ਤੇ ਉਹੀ ਆ ਗਏ ਇਹ ਰਹੀ ਗਾੜੀ ਗਾੜੀ ਦੀ ਵੀ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਠੀਕ ਹੈ ਪਰ ਬਾਰਿਸ਼ ਦੇ ਕਾਰਨ ਰੋਡ ਟੂਟੀ ਪੜੀ ਹੈ ਸਾਰੀ ਮੇਰਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਸ਼ਾਮ ਦੇ ਹੋ ਗਏ ਹੈ ਪੌਣੇ 5 ਅਤੇ ਆਰਾਮ ਕੀਤਾ ਅਸੀਂ ਰੂਮ ਲੈ ਕੇ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਥੱਕੇ ਹੋਏ ਸੀ ਅਤੇ ਆਰਾਮ ਕੀਤਾ ਰੂਮ ਲੈ ਕੇ ਮਜ਼ਾ ਆ ਗਿਆ ਹੁਣ ਫਰੈਸ਼ਨ ਅਪ ਹੋ ਗਏ ਹਾਂ ਹੁਣ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਬਾਹਰ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਘੁੰਮਣ ਥੋੜ੍ਹਾ ਖਾ ਪੀ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ ਚਾਹ ਆਰਡਰ ਕੀਤੀ ਹਲੇ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਟਾਈਟ ਕਿਉਂ ਹੋ ਗਏ ਇਹਨੇ ਆਕੜ ਗਏ ਨੇ ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਅਤੇ ਇਹ ਥੋੜ੍ਹਾ ਆਪਣਾ ਰੂਮ ਸੀ ਪਰ ਨਵੇਂ ਬਣੇ ਆ ਵਧੀਆ ਵਾਸ਼ਰੂਮ ਵੀ ਸਾਫ਼ ਹੈ ਸਭ ਕੁਝ ਚਲੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਰੇਡੀ ਹੋ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਹਾਂਜੀ ਗਾਈਸ ਅਬ ਬਜ ਗਏ ਹਾਂ 7 ਅਬ ਅਸੀਂ ਰੇਡੀ ਵਗੈਰਾ ਹੋ ਗਏ ਇੱਕਦਮ ਨਾ ਧੋ ਕੇ ਬਾਪੂ ਬੱਚਾ ਬਣ ਗਏ ਦੋਨੋਂ ਤੋ ਆਪਾਂ ਨਿਕਲ ਰਹੇ ਹਾਂ ਮਾਲ ਰੋਡ ਦੀ ਤਰਫ ਘੁੰਮ ਕੇ ਆਏ ਔਰ ਸੂਬੇ ਸੇ ਕੁਛ ਖਾਇਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਕੁਛ ਖਾ ਪੀ ਵੀ ਲਏਂਗੇ ਤੋ ਇਹ ਗ੍ਰਿਲਸ ਵਗੈਰਾ ਵੀ ਲਗਾ ਦੀ ਹੈ ਖਰਚੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹੈ ਅਬ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਾ ਕੇ ਧੁੱਪ ਵਗੈਰਾ ਨਿਕਲੀ ਹੈ ਤੋ ਯਹਾਂ ਸੇ ਵਿਊ ਚੈੱਕ ਕਰਵਾ ਅਲਟੀਮੇਟ गाड़ी में हो तो वो दिखते हैं होटल वगैरह अभी अभी दिख गए तेरी मूर्ति ये बढ़िया करती है यहाँ से अगर गाड़ियाँ जा रही हैं तो यहाँ से अपने चलते रहो ये पहले भी था अभी इन्होंने नीचे पक्का कर दिया वेल्डिंग वेल्डिंग लगा दिया बढ़िया कर क्या व्यू है और कल जो आपको मैं गुरुद्वारा बता रहा हूँ कल वहाँ पर ना कोई प्रोग्राम है तो इसलिए देसी के राइस और लोग यहाँ के लोग इतने पावरफुल हैं इतने हिम्मती हैं लेडीज़ भी इतने बड़े बड़े पतीले नहीं होते जिसमें लंगर बनता है वो उठा के लेके जा रहे हैं बताओ हमें थाली उठाने के लिए कहते हैं बड़ी वाट लग जाती है और पतीले हमें इसलिए ना उन्होंने बोला था कि रूम जल्दी खाली कर देना क्योंकि बुकिंग है बोल रहे जो पार्टी टाइम होते हैं ना उन्होंने सारी बुकिंग की हुई है तो इसलिए हम तो ऐसे ही जल्दी निकलना है हमने आगे जाना है जा रहे हैं स्पीति तो सारी हम करेंगे स्पीति कवर तो कल देखते हैं क्या स्टॉप लेते हैं रामपुर लेते हैं या आगे रामपुर से आगे स्टॉप लेते हैं वो तो कल ही पता चलेगा अकॉर्डिंग टू कितने बजे निकलते हैं तो रश तो बहुत है यार काफ़ी क्राउड है ये आपको मैं अभी पार्किंग दिखाता हूँ पार्किंग तो ऐसे फुल है नज़ारे साथ के साथ देखते रहो यार नज़ारों में नो कॉम्प्रोमाइज़ ये बढ़िया सिस्टम बना दिया इन्होंने पार्किंग देखो आप फुल है पार्किंग रश देखना ज़्यादा यहाँ पर लिफ्ट की लाइन है हैं आ जाओ ना लाइन ही है
भाई साहब बंदे में बंदा है यहाँ तो। ये बेस्ट होटल है बंदे पे बंदा, सारे शिमला ही है मुझे लगता। भैया ना यहाँ पे सैंडविच बनाते हैं, बहुत सही बनाते हैं, मैं तो हमेशा खाता हूँ वहाँ पे। आप भी ट्राई करना एक बार, आलू सैंडविच बढ़िया। ये शेरे पंजाब ढाबा, इसके बिल्कुल नीचे है, नीचे रोड उतर रही है, यहीं पे है ये, बढ़िया बनाते हैं। बाकी क्राउड देखो, सही कह रहे, सारे बंदे ते बंदा है, बंदे पे बंदा, काफी बंदा यार। लिफ्ट में आप मानोगे नहीं, लिफ्ट में आने में हमें एक घंटा लग गया पूरा। बाकी 10 बजे लिफ्ट बंद हो जाएगी, अगर आप लिफ्ट अगर इन केस बंद हो जाती है तो ये रास्ता नीचे जाता है पूरा, ये नीचे उतर जाता है पूरा। बाकी मौसम अल्टीमेट चर्च, ये ऊपर वाली एरिया में पहुंच गए हम। ये प्रोग्राम होने वाला है, हो के हटाया वही। कमरे च वड़ वड़ के बैठे हुए थे ना, उसी ठंड लग रही थी ज़्यादा, फिर ना तो के बाहर निकले था, इन्हें पता नहीं चला। पर रश होता गाइस, कुछ खाना है पीना है, लाइन में लगना है, इधर लगना बड़ा टाइम लगता है यार। ये बढ़िया लग रहा, अंधेरा हो गया ना। वही लोगों माल रोड घुमाए हैं, गुरुद्वारा देखो कितना सुंदर लग रहा है यार। रूम में जा रहा हूँ, खाना पैक करा लिया बस। वाहिगुरु बापा जी। चलो जी घूम फिर के असी आ गए हैं, थक हो गया, हूँ अपना करेंगे इंजॉयमेंट, थोड़ा खावे पियाँगे, फिर उस तो बाद सो जाएंगे, हूँ सवेरे निकलेंगे अगे। कल टारगेट है इतों नारकंडा, नारकंडा रामपुर, वो इतों है 126 किलोमीटर। बाकी अगर टाइम सर पहुँच गया तो अगे अगे होर कवर कर लाँगे, नहीं तो उत्थे रुक जाएंगे। बाकी टाइम के अकॉर्डिंग की होंगे कि निकलने। ठीक है जी, इस ब्लॉग में इतने एंड करते हैं। ब्लॉग पसंद आया तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं अगले ब्लॉग से, बाय बाय।